इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे डायल अप लाइन के बारे में। डायल अप लाइन दरअसल हमारे पास एक ऐसा कनेक्शन होता है जिसके जरिए हम दो कंप्यूटर्स को जो कि काफी एक दूसरे से फासले पर होते हैं उनको हम आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। इससे पहले डायल अप लाइन जो थी ये वो कनेक्शन था जिससे जो हमारा पुराना इंटरनेट जिसकी मदद से हम इंटरनेट से कनेक्ट होते थे वो डायल अप लाइन के जरिए होते थे। अब हम समझते हैं कि डायल अप लाइन होता क्या है। डायल अप लाइन दरअसल इस्तेमाल करता है पब्लिक स्विच नेटवर्क का, जिसको हम PSTN कहते हैं। पब्लिक स्विच नेटवर्क जो कि PSTN कहलाता है, ये इसके अंदर होती हैं ये तमाम कम्युनिकेशन मीडियम, इनका जो हम इस्तेमाल करते हैं ये तमाम कहलाती हैं पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। इसके अंदर टेलीफोन लाइन शामिल है, फाइबर ऑप्टिक्स भी हो सकता है, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन भी हो सकता है या सेटेलाइट के जरिए भी कम्युनिकेशन हो सकती है। वो तमाम जराए हैं जिससे पूरी दुनिया में डेटा एक शहर से दूसरे शहर या एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक पहुँचता है। अब पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क जो है इससे पूरी दुनिया आपस में कनेक्टेड हो गई है। लेकिन अब हम इस पे बात करते हैं कि अगर हमने डायल अप लाइन से या जिसको हम डायल अप कनेक्शन कहते हैं, अगर हमने इससे दो कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना हो तो वो हम किस तरह से करेंगे। तो इसको समझने के लिए हमने क्या किया है कि यहाँ पे एक डायग्राम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ से हमें समझ में आ जाएगा कि डायल अप लाइन या डायल अप कनेक्शन किस तरह से काम करता है। अब लेट सपोज मान लेते हैं कि ये आपके पास एक कंप्यूटर है और आप इसके ऊपर इंटरनेट कनेक्ट करना चाहते हैं, यानी आप चाहते हैं कि ये आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट हो जाए। अब आपका जो ये कंप्यूटर है यहाँ पे ये एक वायर से कनेक्टेड है। आपके घर में जो भी टेलीफोन मौजूद है, जो भी आपने घर में टेलीफोन रखा हुआ है, आपने उससे इस कंप्यूटर को कनेक्ट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे कि इस टेलीफोन से एक नंबर डायल करेंगे। वो नंबर कुछ भी हो सकता है। लेट सपोज आपने इससे डायल करते हैं *555# या आपने एक नंबर डायल किया है। जैसे ही आप ये नंबर डायल करेंगे तो क्या होगा कि आपका जो मोबाइल फोन है ये फौरन ही अपनी करीबी टावर से जो भी इसको सर्विस प्रोवाइड की गई है एंटीना के जरिए, ये करीबी जो भी टावर होगा माइक्रोवेव ट्रांसमिशन के जरिए ये उससे कनेक्ट हो जाएगा और अपनी रिक्वेस्ट भेजेगा इस एंटीना को। ये एंटीना क्या करेगा कि अगर यहाँ पे इसके पास सर्वर अवेलेबल हुआ तो ये इस रिक्वेस्ट को पूरी कर देगा, नहीं तो इसी रास्ते में इसी लाइन ऑफ साइट में जो नेक्स्ट टावर होगा ये रिक्वेस्ट उसको भेज देगा और इस तरह से रिक्वेस्ट आगे बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे जो मोबाइल की रिक्वेस्ट है वो यहाँ पे माइक्रोवेव ट्रांसमिशन का इस्तेमाल हो रहा है, यानी यहाँ पे जो PSTN पब्लिक स्विच नेटवर्क का जो हमने जिक्र किया था उसमें जो नेटवर्क इस्तेमाल हो रहा है वो दरअसल माइक्रोवेव ट्रांसमिशन है। जरूरी नहीं है कि माइक्रोवेव ट्रांसमिशन के जरिए ही मोबाइल का कनेक्शन हम एस्टेब्लिश करें, इसके अलावा हमारे पास और जराए भी हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो पुराने जमाने में जो हमारे पास टेलीफोन इस्तेमाल होता था तब उसके अंदर हम टेलीफोन लाइन का इस्तेमाल करते थे और जब भी हम कोई नंबर डायल करते थे तो उस टेलीफोन लाइन से, टेलीफोन एक वायर होती है, टेलीफोन वायर से वो हमारा पैगाम उस टेलीफोन हेडसेट से वायर के जरिए पहुंचता था जहां तक हमने अपनी बात पहुंचानी होती थी। तो PSTN जो है पब्लिक स्विच नेटवर्क, इसके बारे में आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि ये हमारे पास कोई भी कम्युनिकेशन मीडियम हो सकता है। तो यहां से अब ये टावर क्या करेगा, इस रिक्वेस्ट को सर्वर तक भेजेगा और सर्वर क्या करेगा कि इसकी जो कॉल, यहां से आपने जो नंबर डायल किया इसको आइडेंटिफाई करेगा और यहां पे एक डायल अप कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा। तो आप इस तरह से एक डायल अप कनेक्शन जो है वो इस मोबाइल फोन और इस सर्वर के बीच में कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है कि जब कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है उसके बाद ये सर्वर और ये मोबाइल फोन, इन दोनों के दरमियान जो प्रोटोकॉल है यानी जो सेट ऑफ रूल्स हैं जिनकी मदद से डेटा ट्रांसफर होगा वो बाकायदा तय किया जाता है। और जब प्रोटोकॉल सेट हो जाता है फिर क्या होता है कि आपका मोबाइल फोन जो है वो इस सर्वर के साथ कनेक्ट हो जाता है। ये जो सर्वर है ये कोई भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो सकता है, ये कोई भी कंपनी है जो कि आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर रही है। तो यहाँ से जो डेटा है वो दरअसल आपके मोबाइल तक पहुंचेगा और मोबाइल से आपका जो शॉर्ट डिस्टेंस वायरलेस कनेक्शन से जो आपका यहाँ पे कंप्यूटर है वो इससे कनेक्ट हो जाएगा। ये तो हमने यहाँ पे मोबाइल फोन की एग्जांपल ली। पुराने जमाने में जो डायल अप कनेक्शन इस्तेमाल होता था वो दरअसल टेलीफोन लाइन थी, यानी हम अपना जो टेलीफोन हेडसेट है उससे कनेक्ट करते थे अपने कंप्यूटर को और इस तरह से हम पहले इंटरनेट का इस्तेमाल करते थे। तो डायल अप कनेक्शन के लिए हमें एक
फोन चाहिए होता है जिसकी मदद से हम कोई नंबर डायल करते हैं, और नंबर जब हम डायल करते हैं तब हमारा कनेक्शन स्टेब्लिश हो जाता है उस मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का जो सर्वर है उसके बीच में, और इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन मीडियम है वो वायरलेस भी हो सकता है यानी माइक्रोवेव ट्रांसमिशन भी हो सकती है या फिर कोई टेलीफोन लाइन भी हो सकती है। तो इसे हम कहते हैं डायल अप कनेक्शन या डायल अप लाइन। लेकिन डायल अप लाइन के साथ मसला ये है कि डायल अप लाइन जो है इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा कम होती है, इसकी स्पीड जो होती है वो 56 किलोबिट पर सेकेंड, जो कि काफ़ी कम स्पीड है। इस स्पीड के ऊपर डेटा ट्रांसफ़र होता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हमारे पास जो डायलअप लाइन है इसका जो बैंड है, जो कि बैंड विड्थ है, वो काफ़ी नैरो होती है। इससे पहले हमने जो चैप्टर था उसके अंदर हमने बैंड विड्थ का एक टॉपिक डिस्कस किया था। इसके अंदर हमने ये कहा था कि हर कम्युनिकेशन लाइन की एक बैंड विड्थ होती है, तो वो काफ़ी नैरो होती है, जिसकी वजह से लार्ज डेटा जो होता है जैसे कि पिक्चर्स, साउंड या वीडियोज़, उनको ट्रांसफ़र करना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होता है। क्योंकि पिक्चर्स में की अगर हम बात करें तो पिक्चर्स में फ्रेम्स होते हैं और फ्रेम्स पर सेकंड ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं, जो वो फ्रेम्स पर सेकंड ट्रांसफ़र करने के लिए हमें स्पीड काफ़ी ज़्यादा चाहिए होती है। लेकिन इसकी जो स्पीड है वो 56 किलोबिट्स पर सेकेंड है, जो कि काफ़ी कम है। ये थोड़ी सी बढ़ भी गई है, जो कि आजकल 110 किलोबिट्स पर सेकेंड भी आजकल इस्तेमाल होती है। तो इसके बाद जो इसके अंदर डेवलपमेंट हुई डायल अप लाइन के अंदर, वो ये हुई कि हमने बैंड की विड्थ जो थी वो हमने बढ़ा दी, जिससे हमारे पास जो अगला कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ जिसको हम कहते हैं DSL, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। इसमें हमारे पास बैंड की विड्थ बढ़ गई और जिससे हमारा जो कनेक्शन था इंटरनेट कनेक्शन वो ज़्यादा फास्ट हो गया। तो DSL के बारे में हम पढ़ेंगे इससे अगली वीडियो में। इस वीडियो में हमने जाना कि डायल अप लाइन किसे कहा जाता है।